आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। सुरक्षा का कवच टूटे नहीं, एक भी बच्चा छूटे नहीं, संकल्प के साथ सदर अस्पताल में आरंभ हुआ पल्स पोलियो अभियान। उपायुक्त जीशान कमर एवं उप विकास आयुक्त सुश्री माधवी मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर दो बूंदे बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर आरंभ किया अभियान। कहा, दो बूंद बच्चों को देगी नई जिंदगी। जीशान कमर उपायुक्त, जिले में 1,56,000 को पोलियो की खुराक पिलाने का है लक्ष्य। सहिया बहने, जो माताएं बहने आई हैं अपने बच्चों को लेकर के, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि इसका कितना महत्व है। ये एक चक्र है, ऐसे तो भारत लातेहार दो बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार के उद्देश्य को लेकर सदर अस्पताल में पल्स पोलियो अभियान 2020 का आरंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त जीशान कमर एवं उप विकास आयुक्त सुश्री माधवी मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर किया और बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाकर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त जीशान कमर ने कहा कि पोलियो की दो बूंद की खुराक नई जिंदगी देगी। श्री कमर ने कहा कि पोलियो पर जीत हमारी हो गई है, लेकिन इसे बरकरार रखने के लिए हमें पोलियो का खुराक बच्चों को जरूर पिलाना होगा। उन्होंने जिलेवासियों में पोलियो पर जीत के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पोलियो बूथ पर पहुंचकर वैसे बच्चों को जो पोलियो की खुराक से वंचित हैं उन्हें पिलाने से सहभागिता निभाने की बात कही। उपायुक्त श्री कमर ने कहा कि पल्स पोलियो अभियान की सफलता सहिए पर है। उन्होंने स्वास्थ्य सहिए को अभियान के दौरान घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने के लिए प्रेरित किया। लातेहार से राहुल कुमार के साथ बद्री गुप्ता की रिपोर्ट। जैसा बता रहे थे, डीडीसी बता रहे थे कि ये एक चक्र है, इस चक्र में कोई बच्चा भी छूट गया तो पूरा चक्र कंप्लीट नहीं होगा, वो चक्र जो है वो टूटा हुआ रह जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि उस चक्र को पूरा करें। ये अभी जैसा बताया कि अगर भारत घोषित हो गया तो फिर हम लोगों को आवश्यकता क्या है पोलियो के ड्रॉप पिलाने की। आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अगल बगल के जो देश है, जगह है, वहां पर ये अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और ये संक्रमण फिर कहीं ना कहीं फिर वापस आ सकता है यहां पर। तो ये जरूरी है कि आप खुद अपने बच्चे को पिलाएं और जो आपके अगल बगल में 5 साल तक के बच्चे हैं जिनमें की खतरा बना